अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। इंशाल्लाह ताला आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं डिलीवरी का काम करता हूँ और मैं इससे रिलेटेड वगैरह वीडियो बनाता रहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा भाई कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि आप हमें बताएं कि ये लोकेशन वगैरह कैसे समझाते हैं, प्राइवेसी होती है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद मैंने कहा चलो मैं आज अपने भाई को थोड़ा सा यानी हिंट दे देता हूँ। इसके अलावा भाई पूछ रहे थे कि आप एप्लीकेशन पर कैसे काम करते हैं। भाई हर एप्लीकेशन का, हर कंपनी की एक अपनी एप्लीकेशन होती है, और जितनी भी एप्लीकेशन है ना, ये डिलीवरी से रिलेटेड, ये जो उनसे हम कस्टमर, ये कुरियर का जो काम करते हैं, सेम ही होती है। इतना ज़्यादा इनमें डिफरेंट नहीं होता, बस इनका थोड़ा सा वर्जन चेंज होता है, बाकी सब सेम ही होती है। अगर आपने किसी एक भी एप्लीकेशन पर काम किया ना, तो जिस वक्त आप दूसरी किसी यानी एप्लीकेशन पर काम करेंगे, तो आपको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप उसी पे काम कर रहे हैं। जिस एप्लीकेशन में मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला मोबाइल की जो सी वीडियो स्क्रीन लगा कर मैं अपने भाइयों को दिखाऊंगा। फिर इसके अलावा जो भाई पूछ रहे थे कि लोकेशन कैसे करते हैं सेव, मैं ये भी बताता हूँ आपको। चलो चलते हैं अब स्क्रीन के ऊपर मोबाइल की। अच्छा, तो मैंने व्हाट्सएप ओपन किया कस्टमर का और लोकेशन पर मैंने किया क्लिक। इसके बाद मेरे पास ऐसे मैप खुल के आ जाएगा और साथ ही नीचे ऑप्शन आ रहे हैं सारे। मैंने सेव पे अब करना है क्लिक, और इसके अलावा ये थोड़ा सर्च करेगा। सर्च करने के बाद कुछ ऐसे यानी कि ये खुल के आ जाएगा। मैंने अब कस्टमर के जो नंबर के चार लास्ट डिजिटल है वो मैंने देख लिए, और मैं इधर वो नोट करूँगा जो उसके चार लास्ट डिजिटल 0912, इसको मैंने क्रिएट किया। ये लोकेशन सेव हो गई है, बस इतना सा काम है सेव करने का। दोबारा मैंने कंपेयर कर लिया कि भाई सेम है कि नहीं है। इसके बाद मैं गूगल मैप के ऊपर सिंपल, ये मेरी लोकेशन है, मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने यानी वेयर हाउस में सुलई, और ये आप जितनी भी लोकेशनें देख रहे हैं ये सारी मैंने सेव की हैं सेम वैसे वन बाय वन। और मैं अब जस्ट देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट काम करना है। आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर से स्टार्ट करें या जहाँ से आपका ये जो सीधा आपको रोड मिल रहा है, आप एक पहले कस्टमर से स्टार्ट करें, लेकिन बेहतर होता है कि आप ऊपर से स्टार्ट करें। ऐसे आसानी होती है, पर आप काम ख़त्म करते करते आखिरी लोकेशन ख़त्म करके घर की तरफ आते हैं। पहली लोकेशन पे मैंने क्लिक किया दिखाने के लिए। अब जो से उसके लास्ट चार डिजिटल थे व्हाट्सएप के नंबर, मैंने अब इधर नोट किए हैं कौन से यानी जो चार उसके लास्ट डिजिटल थे, ये मैंने अब उसको सर्च किया। ये सेम उसका कस्टमर का व्हाट्सएप ओपन हो गया। अभी मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। जब मैं लोकेशन पर पहुँचूँगा मैं इस नंबर पर कॉल करूँगा, ऑर्डर नंबर भी मेरे पास कन्फर्म होगा और कस्टमर का नंबर भी कन्फर्म होगा। अच्छा, तो मैंने दोबारा क्लिक किया कस्टमर की लोकेशन पे, नीचे ये सारे ऑप्शन आ गए। दोबारा मेरे पास सेव का ऑप्शन शो कर रहा है, मैंने सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद ये ऐसे खुल के आएगा, ये जो सेव है यानी जो लास्ट चार डिजिटल है, मैंने इस पे क्लिक करके और क्रिएट किया यानी रिमूव हो गई है। सेव करना और रिमूव करना सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस इतना सा है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, तो भाइयों आपने देखा है कि मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन के ऊपर जाकर मोबाइल की, कि आपने कैसे यानी अपनी मोबाइल की यानी मोबाइल पे आपने कैसे अपनी लोकेशनों को सेव करना है, और यानी आपको सारा मैंने बता, आप खुद देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी लोकेशन नज़दीक है, आपने कैसे वन बाय वन सब के ऊपर जाना है। और इसके अलावा अभी आपको मैं ये भी बताता हूँ कि जिस एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन कैसी है, और हम इधर यानी कि मैं इधर कस्टमर को कैसे शिपमेंट डिलीवर करता हूँ, कैसे मैं कैंसिल करता हूँ, और नो आंसर को कैसे अपडेट करते हैं, ये भी मैं आपको सारा अभी दिखाता हूँ। चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। एप्लीकेशन मैंने ओपन की अपने मोबाइल से, और ये सामने कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। सर्च का ऑप्शन आता है, इधर हम सर्च करेंगे लास्ट चार डिजिटल या पांच जो उनसे ऑर्डर नंबर होता है हमारे पास। मैंने इसको सर्च किया और ऑर्डर नंबर मेरे सामने ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने करना है नोट डिलीवर। नोट डिलीवर पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद ये सारे ऑप्शन नोट डिलीवरी यानी जो भी वायलेशन होती है सारी ऐसे खुल के आ जाती है कि क्या मसला है, कस्टमर क्यों नहीं चाहता, आपने रीज़न देनी होती है, रीज़न सारी आ गई है। कस्टमर की कोई भी मसला, ये सारे बीच में मेंशन होते हैं, सब के सेम ही होते हैं। कस्टमर को चाहिए ये वाली शिपमेंट हफ्ते वाले दिन, तो मैं इसको नेक्स्ट डे यानी रीशेड्यूल करता हूँ। सेव किए मैंने, ये अब रीशेड्यूल हो गया नेक्स्ट डे के लिए, बस इतनी सी बात है। दोबारा अब मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ, और जो सा ऑर्डर नंबर है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये व्हाट्सअप में ऑर्डर नंबर हमने ऑलरेडी सेंड किया होता है। ऑर्डर नंबर को सर्च किया मैं, अभी इधर ऑर्डर नंबर सर्च करूँगा जो सा होगा 1439, आई थिंक ये रॉन्ग है। हाँ जी, ये रॉन्ग है। दोबारा से मैं एक बार देखता हूँ इसका ऑर्डर नंबर क्या है। इसका नंबर है 4139,
ये मेरे सामने ऑर्डर आ गया, इसको मैंने अब करना है डिलीवर। तो भाई बड़ा ध्यान से करना है डिलीवर, जो शेमेंट आपने एक बार कर देनी है वो आपके खाते पड़ जानी है, तो इसलिए ध्यान से करना। सिंपल इसको हम गुड करेंगे और सेव कर देंगे, और यहाँ से अपडेट, अपडेट का मतलब कि शेमेंट डन हो गई है, ये शेमेंट हमारी इस वक्त क्लियर हो गई है। शेमेंट जब भी डन करनी है तो बड़े ध्यान से, क्योंकि जो शेमेंट आप डन कर देते हो वो आपके खाते पड़ जाती है कंपनी को, आपको आपने कंपनी को उसके पैसे देने होते हैं। इस वक्त 4-11 शेमेंट मैंने डिलीवर कर ली है टोटल। दोबारा मैंने अप्लीकेशन पे आया, अप्लीकेशन पे ये 57 अभी पेंडिंग में है। सर्च पे मैं गया, इधर मैं करता हूँ एक ऑर्डर नंबर सर्च, स्कैन इसको सर्च करेंगे, इसके बाद ये ऐसे ऑर्डर नंबर खोल के हमारे सामने आएगा, ये कस्टमर को नहीं चाहिए, हम इसको करेंगे कैंसिल। कैंसिल पे क्लिक किया, नो नीड, इसको यानी कि नहीं चाहिए, और सिंपली इसको हम कर देंगे अपडेट। बस भाई इतना सा काम। अच्छा भाई, आज से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बाइक राइडर से रिलेटेड, कि कोई बंदा भी अगर जॉबलेस है तो इस काम में आ जाओ, ये काम अच्छा है। भाई देखो, कोई भी काम है ना, करने से होता है, करना पड़ता है आपको। अगर आप बाइक राइडर करना चाहते हो करें, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है, अल्लाह माफ़ करे, गाड़ी बम्पर के साथ बम्पर लगा होता है। नॉर्मल स्पीड आपको पता है, जो मेन ये नॉर्मल जो सड़कें 80, अगर मेन रोड पे जाते हो 120, हैवी यानी अगर किसी हैवी रोड पे जाते हो 140। अपनी आंखों से देखा है कि बाइक राइडर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं, ज़िगज़ैग कर रहे होते हैं। ये मजाक नहीं है, ये काम है। देखो, अगर जान है तो जान है, अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है एक दफ़ा, आप अपने लिए भी, अपने आप को भी सेफ रखें, क्योंकि आप परदेश में हैं, पीछे आपकी फैमिली है, सब चीज़ों को देख के मैनेज करना पड़ता है। हम थोड़े से लोग हैं ना, जैसे कि मैं अपनी बाइक, हम थोड़े से जब 2-4 दोस्त वगैरह हो जाते हैं ना, तो माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाता है, फिर इंसान थोड़ा सा ओवर रूटीन करने लग पड़ता है। इन चीज़ों को अवॉइड करें, काम को काम समझ के करें, तो कोई भी काम ना मसला, किसी किस्म का कोई इशू कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप काम स्टार्ट करते हो ना अल्लाह का नाम लेकर, तो अल्लाह पाक आपके काम में बरकत भी डालता है और आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करता है, क्योंकि सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। अच्छा, तो भाई आपने लोकेशन को सेव करना भी अब देख लिया है कैसे करते हैं। उसके अलावा आपको मैंने ये भी दिखाया कि मैं मतलब कि कैसे अपनी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। भाई अगर कोई भी कंपनी है ना, हर कंपनी की अपनी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन को आपने खुद लॉग इन नहीं करना होता। जिस वेंडर के साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको लिंक शेयर करता है और उससे डाउनलोड करके आपको वही ईमेल और पासवर्ड देता है, ताकि आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकें। काम अच्छा है, फिलहाल हालात आपके सामने हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमरात का दिन है, कल जुम्मा है, लेकिन आज मुझे टोटल शिपमेंट मिली थी आई थिंक 74, जिसमें से 40 शिपमेंट तो मैंने कहा चलो आज काम करते हैं, और जो सी पीछे बचेंगी 30-35 उनको कल देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने कल भी काम करना है, बाकी कल भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक किया करें, चैनल पर अगर नए हो तो लाजम सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मैं काम से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है लाइक और व्यू वगैरह लेना, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं खुद अभी फ्री हूँ, यानी मेरे पास भी काम नहीं था, मैं भी ऐसे YouTube से ही वीडियो देखकर थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि भाई टाइम वेस्ट करने से बेहतर है थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, देखते हैं काम कैसा चल रहा मार्केट में। पहले मैं एक कंपनी में गया, उधर मुझे मिलते थे 8 रियाल, फिर एक में गया उधर भी 8 रियाल, फिर अब जिधर मैं काम कर रहा हूँ इधर फ़िलहाल तो हमें कंपनी दे रही है 12 रियाल, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप बाहर निकलें, काम देखें, काम की कोशिश करें, इतनी ज़्यादा कंपनी है। मैं अपनी वीडियो में यानी कि नाम लेकर मतलब कि मैं बताता हूँ कि आप ज़्यादातर इस वक्त जो मैं जिस कंपनी में जैसे काम कर रहा हूँ, इधर अब हायरिंग नहीं है, इधर बंदों की ज़रूरत नहीं है, इधर टोटल मेरे ख्याल में 22-25 बंदे काम कर रहे हैं। छोटी ही कंपनी है बहुत ज़्यादा, इस मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनी ओपन हुई हैं। किसी बड़ी कंपनी में चले जाएँ, उधर हर वक्त बंदों की ज़रूरत होती है। आई माइल में चले जाएँ, आई माइल के लोग लोकेशन मांगते हैं। मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंपल आप गूगल मैप पर जाएँ, सर्च करें, आप, मैं रियाज के अंदर हूँ, रियाज के अंदर इस वक्त 3-4 वेयर हाउस हैं, बेहतर यह सुलई का जो एरिया है, जो सुलई में वेयर हाउस है, इधर मेन हब है, इधर आएँ ट्राई करें। आपने जब इधर आना है आपको वेंडर्स मिलते हैं यहाँ पर, 3-4 यानी वेंडर हैं। उसके अलावा आपको 100-150 बंदा बाहर मिलता है, किसी बंदे से पूछे हर बंदा सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं, हर बंदा हेल्प करता है, अच्छे लोग हैं। आप जाएं, आप बात करें, एक दिन ट्रेनिंग पर जाएं, नेक्स्ट डे अपनी आईडी लॉग इन करें और काम स्टार्ट करें। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसी वेंडर्स के साथ सिपर सैलरी के ऊपर यानी फिक्स सैलरी पे काम करें। 100 रियाल वो देता है आपको यानी इंटरनेट का, बाकी डीजल पेट्रोल जो भी है वो उसकी हेडेक है, आपकी नहीं है। बाकी भाई अगर आप फ्री हैं, अगर आपको काम की ज़रूरत है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
डिलीवरी का काम करें फिलहाल जब तक काम नहीं मिलता। बाकी साथ साथ कोशिश करते रहें कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जिस वक्त देखें कि आपको कोई बेहतर काम मिल गया ठीक है, आप इस काम को छोड़ के उधर चलें। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मैं सब भाइयों के लिए दुआ करता हूँ। काम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप आई माइल में नहीं जाना चाहते उस वक्त, वो आई माइल इस वक्त 6 रियाल पर शेमेंट दे दिया भाई, JNT में चले जाओ 7 रियाल और 50 हलाले यानी 7.5 रियाल तो JNT भी दे रही है। अगर आपको उसका रेट कम लगता है तो JNT में चले जाओ भाई। आप डेली इजीली ना करते 35-40 शेमेंट डिलीवर कर लेते हो, क्योंकि उनकी शेमेंट बहुत ईजी होती हैं। वो जो शेमेंट देती हैं वो ज़ीरो शेमेंट होती है, एक ही गली में 3-3 शेमेंट दे देते हो आप लोग। कभी कभी ऐसे होता है सम टाइम के एक ही कस्टमर के 3 से 4 ऑर्डर होते हैं, ये होता है, ये हकीकत है। मैं काम कर चुका हूँ आई माइल में, मैंने एक अच्छा टाइम दिया है, लेकिन किसी वजह से मुझे बाहर, मैं अब जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ इधर मेरे थोड़े दोस्त वगैरह हैं मेरे साथ पुराने हैं जो इधर मैं काम करते थे, तो मैं इनके साथ यानी कि अब काम कर रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए ताकि मैं बाहर काम करूँ। 14 मिनट की लोकेशन है और ये हमें बता रहे 29 मिनट। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। भाई परदेश कटना कुछ सौ की गल नहीं है।